एक ऐसा अनोखा आइलैंड जो पहली नजर में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल लगता है, लेकिन किसे पता था कि इस खूबसूरत आइलैंड पे कुछ ऐसे रहस्यमय और डरावने स्ट्रक्चर से जिसको देख के आपकी रूह कांप उठेगी। जैसे ये भूतिया हवेली, 4000 साल पुराना ये मिस्टीरियस पिरामिड, कावोइस का शहर, द अल्टीमेट ओशन मॉन्यूमेंट, अ हिडन डंजन जिसकी रक्षा खुद वार्डन्स करते हैं, एंड मैनी 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 मोर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इस सीरीज में हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिफीट करने वाले हैं। क्या मैं इन सबको कॉन्कर कर पाऊंगा या पहले दिन मर जाऊंगा? चीजों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस वर्ल्ड की डिफिकल्टी को हार्ड कोर पे सेट कर दिया है। दिस इज माइनक्राफ्ट ड्रीमलैंड सागा। गाइज, हमारी ये जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? खाना नहीं, आर्मर नहीं, विलेजर्स वो भी नहीं। तो गाइज देखो, ये एक बहुत बड़ा कस्टम मैप है और इसको कवर करने के लिए हम लोगों को घोड़ा, क्या क्या बोला तूने, हॉर्स, तबड़क तबड़क वो चाहिए, क्योंकि इस मैप की साइज देख के मेरे पैरों ने पहले ही गिव अप कर दिया है। ना भाई, हमसे ना हो पाएगा। मुझे माफ कर दे, आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे। देखो गाइस, घोड़ा तो मैं इजीली टेम कर लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है सैडल। सैडल कहाँ से लाऊं मैं? क्योंकि पुराने वाले माइनक्राफ्ट में सैडल सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट के ट्रेजर चेस्ट में मिलता था या फिर फिशिंग, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह तरीकों से मिलता था। ये समस्या है, लेकिन यहाँ पे ऐसी गाइस कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि गाइस एकदम फुद्दू चेस्ट में भी हम लोग को सैडल आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइस, मेरे पीछे आप लोग ये जो लंबा चौड़ा पोर्टल देख पा रहे हो, इतना बड़ा विशाल पोर्टल, इसके पीछे भी गई एक कहानी है। मैं फटाफट से आप लोगों को कहानी सुनाता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है उस जमाने की। रुक जा भाई, रुक जा, इतनी भी पुरानी कहानी नहीं है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार तू? गाइस, कुछ सेंचुरीज पहले यहाँ पे एक चुड़ैलों का गांव हुआ करता था और उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि डायमंड से भी हार्ड मटेरियल, एंशिएंट डिब्रीज की तलाश में उन लोगों ने नेदर पोर्टल को स्टार्ट किया और वो गए नेदर में। नेदर में तुम लोगों को तो पता ही है कि कौन रहता है, ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस। और बस हमारी चुड़ैल बहनों को ये पता नहीं था कि ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस से अगर पंगा लोगे तो वो अकेला नहीं आता, अपने पूरे गांव को साथ में लेके आता है। बस हाथापाई हो गई और नेदर पोर्टल के थ्रू ओवरवर्ल्ड में कुछ ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस आ गए। पास के विलेजर्स ने ये देखा और उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, और भी ज्यादा ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस आए उससे पहले हम लोग को इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अभी वो लोग सिर्फ एक ही शख्स की राह देख रहे कि ऐसा कोई शूरवीर जाबाज आएगा, एक दिन इस नेदर पोर्टल को स्टार्ट करेगा और उन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस को डिफीट करेगा। कौन करेगा हम गरीबों की मदद? क्या है कोई शूरवीर? हिंदू, वो शूरवीर जाबाज कौन होगा? अरे मैं मेरे अलावा और कौन ही है? मैं ही तो स्टार्ट करूंगा, और कौन स्टार्ट करेगा? नया पोर्टल क्रिएट नहीं करूंगा, इसी पोर्टल को रिस्टार्ट करूंगा, कितना भी दूर हूँ वापस यही आऊंगा, इसी पोर्टल के थ्रू नेदर में जाऊंगा। शाबाश। तो फटाफट से अभी हम लोग को एक हॉर्स टेम करना है। अभी यहाँ पे देखो घोड़े तो काफी ज्यादा है, ये देखो क्रिएटर को भी पता था कि ये इतना ज्यादा बड़ा मैप है कि हम लोग को ऑब्वियसली घोड़े तो लगेंगे। अरे यहाँ पे तो एक विलेजर भी खड़ा है। और ताऊ, क्या हालचाल है? बढ़िया। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। एक मिनट, इसकी आंखें हिल रही है, इसकी आंखें हिल रही है भाई। पहले हिलती थी ये? मुझे तो नहीं लग रहा है। और ये देखो, ये सांसें भी ले रहा है यार, सांसों की मूवमेंट। ओ भाई साहब, क्या बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया तो लग रहा है तू। तो ताऊ, तेरे पास दो दो घोड़े हैं, एक मुझे दे दे यार। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? अकेला अकेला रहेगा यहाँ पे क्या? अच्छा, चेस्ट छुपा के रखा है। नॉटी नॉटी नॉटी। देखा, मैंने बोला था ना, सैडल भाई, सैडल कहीं पे भी हम लोग को, फुद्दू चेस्ट पे भी हम लोग को सैडल मिल जाएंगे। तो कितने, चार है ना, ये सब कुछ मैं रख लेता हूँ। 1 2 3 4 हो गए भाई, चार तो हो गए। और इनमें से कौन से घोड़े को लेके जाए? मेरे को तो ब्राउन वाला ज्यादा पसंद आ रहा है। एक मिनट, ये शिप भी अलग तरीके से चल रही है क्या? मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि ये शिप भी अलग तरीके से चल रही है? हाँ, ओ भाई, ठुमक ठुमक की चल रही है एकदम। ये तो सही है भाई, तुम्हारा भी सही है। ये खोलो जरा, ये खोलो, इसमें कुछ है? अरे और भी सैडल है। अभी देखो, इतने सैडल मुझे चाहिए नहीं। yes, 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 yes! थोड़ा सा ब्रेड और थोड़े से एप्पल्स में लेके जाऊंगा। No! भाई देख यार, मैं तुझे एकदम कंगाल नहीं बनाना चाहता, तो तेरे लिए कुछ चीजें छोड़ के जा रहा हूँ मैं, टेंशन मत ले तू। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। भाई पता नहीं इस घोड़े में किस बात का एटीट्यूड था, टेम ही नहीं हो रहा था। हाथ पैर जोड़ने के बाद फाइनली इसने मुझसे दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद गई फटाफट से मैंने इसके ऊपर एक सैडल पहनाया और मैं निकल पड़ा विलेज की तलाश में।
गाइज मैप काफी ज्यादा बड़ा है और रात होने वाली थी, मुझे फटाफट से एक जगह ढूंढने थी रात बिताने के लिए, और विलेज आसपास कहीं पे भी नजर में नहीं था, इसलिए गाइज मैं रात बिताने के लिए एक टेम्पररी जगह ढूंढने लगा। और तभी गाइज मैंने इस पेड़ को देखा। मुझे ये पेड़ थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन मैंने सोचा यार ठीक है यार कस्टम मैप है, पेड़ ऐसे ही बड़े हो सकते हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ऊपर लैडर्स जा रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि आज की रात मैं इसी पेड़ पे बिताऊंगा, और इसलिए मैंने अपने घोड़े को बांध दिया और ऊपर चढ़ते गया। मैं ऊपर चढ़ने के बाद मैंने क्या देखा, वहां पे बेड आर्मर, आर्मर मतलब यार लेदर आर्मर ही था, कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन बेड आर्मर और चेस्ट भी थे जिनके अंदर काफी सारा खाना भी था। और वहां पे गाइज मैं मिला एक बहुत ही प्यारे पैरेट से जिसका नाम था पॉली। तो गाइज मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि गाइज आज की रात तो मैं यहीं पे बिताऊंगा, तो फटाफट से सो जाते हैं और गाइज मैं मिलता हूं आपसे कल सुबह। तो गाइस सुबह होते ही मैंने फटाफट से अपने लिए एक वुडन की पिकैक्स क्रिएट कर दी, और गाइस उसकी मदद से मैं नीचे आया और स्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने सारा का स्टोर स्टोन माइन कर लिया था, मतलब इनफ स्टोन माइन कर लिया था, तभी गाइस मुझे किसी की चलने की आवाज आई। वेट वेट वेट, किसी की तो चलने की आवाज आ रही है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? हेलो देयर। यू नॉटी नॉटी, मुझे पता था ये मेरे पीछे से आएगा। यू नॉटी नॉटी, यू टीजिंग मी, यू नॉटी नॉटी। लेकिन मारू किससे, मेरे पास तो टूल्स भी नहीं है वुडन की पिकैक्स से खाली, कि स्टोन के स्वॉर्ड्स वगैरह क्रिएट करने के लिए तो मैं स्टोन कलेक्ट कर रहा था भाई, वुडन पिकैक्स से ही मारना पड़ेगा इसे। देखो ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है और इसके बीच में मैं गड्ढा छोड़ के नहीं जाना चाहता क्रीपर की वजह से, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए गाइज वो क्रीपर फट गया और वहां पे एक बड़ा सा खड्डा रह गया। तो गाइज क्रीपर चचा के लिए मैंने 2 मिनट का मौन धारण किया और उसके बाद मैंने घोड़े को उठाया, और घोड़े को उठाया मतलब घोड़े ने मेरे को उठाया, और गाइज हम निकल पड़े विलेज की तलाश में। मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं विलेज ढूंढ के रहूंगा, प्लेन्स का बायोम है, प्लेन्स के बायोम में विलेज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं दौड़ रहा था और तभी मेरे रेंडर डिस्टेंस में कुछ तो आया, आगे आगे कुछ तो बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये क्या है भाई, कुछ तो नया है ये, क्योंकि ये विलेज नहीं है, विलेज इतना बड़ा नहीं होता है, नहीं नहीं। ओए वो देखो वहाँ पे कुछ तो चमक रहा है, दूर से देखा तो कुछ तो चमक रहा था, पास आके देखा तो ये तो अपना टकला विलेजर था। यस गाइस फाइनली मुझे प्लेन्स का विलेज मिल चुका था, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट, काफी ज्यादा डिफरेंट था और काफी ज्यादा खूबसूरत भी था। ओ भाई साहब यार ये तो सही में यार क्या बढ़िया विलेज है ये। गाइस इस विलेज को देख के यार मुझे अपने घर पे शर्म आ रही है, क्या बिल्ड किया है मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये इस विलेज को देख लो, इसमें से कोई भी घर चुन लो तुम लोग, मेरे मेंशन से बहुत ज्यादा सही लगता है ये, ज्यादा डिटेल्ड है। मैं फटाफट से आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। हर एक विलेजर के घर रिमॉडल थे, रिनोवेट किए गए थे और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थे। इनके घर के अंदर कुछ चेस्ट थे जिसके अंदर गाइस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप, सीड्स, ब्रेड और डायरीज भी थे। हाँ गाइस डायरीज भी थी, अभी देखो आगे की कहानी डिस्कवर करने के लिए मुझे इस डायरी को पढ़ना ही पड़ेगा। लिव लाफ लव, क्या कैरन नाम है तेरा? ओ सही है यार, सही है कैरन। बताओ बताओ बताओ, एक और डायरी बताओ। दिस चेस्ट एंड इट्स कंटेंट्स इज प्रॉपर्टी ऑफ कैरन, हैंड्स ऑफ और आई विल बी स्पीकिंग टू द मैनेजर। जा बता जिसको बताना है, तेरे सामने सब कुछ लेके जाऊंगा। ये देख तेरे सामने ऐसे तोड़ के सब कुछ लेके जाऊंगा मैं, बता जिसको बताना है। नेटविट कही की काम धंधा तो है नहीं, ये लिटरली बेरोजगार है, ये कोई काम स्वीकारती भी नहीं है। देखो गाइज थोड़ी सी कहानी इस किताब में होगी, थोड़ी सी कहानी किसी और डायरी में होगी, थोड़ी सी और कहानी किसी और अलग डायरी में होगी। तो एक काम करते हैं, सारी डायरीज को हम लोग पहले कलेक्ट कर लेते हैं, मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बाकी की कहानी सुनाता हूँ। तो विलेज एक्सप्लोरेशन की लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पे नाम आता है इनके फार्म का। ओ भाई साहब इनका फार्म देखो यार, इनका फार्म देखो कितना ज्यादा सही है यार, इतना बड़ा फार्म। मैं तो सब कुछ लेके जा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन ये इतना ज्यादा खूबसूरत जो लग रहा है ना कि तोड़ने का, कुछ भी तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। इस गांव का ये जो फार्म है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में क्या होता है, एक फार्मर होता है और उसका एक छोटा सा फार्म होता है, दूसरा फार्मर होता है उसका अलग छोटा सा फार्म होता है। लेकिन यहाँ के विलेजर्स ने ऐसा नहीं किया, इन लोगों ने सारे फार्म्स को अपने कंबाइन किया और एक बड़ा फार्म क्रिएट किया। कितनी प्यारी बात है यार, फार्म में वीट लगे हुए थे, कैरेट्स लगे हुए थे, पोटैटोस लगे हुए थे और फार्म काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। उसी के पीछे एक बहुत बड़ा और काफी ज्यादा खूबसूरत विंडमिल लगा था। मैं बस होप कर रहा था कि यार अगर ये चल जाता ना, अय हय हय मजे आ जाते जिंदगी में, लेकिन अफसोस ये चलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए था। विंडमिल के ही साइड में गाइस एक हनी फार्म था। यो हनी सिंगर, अरे वो वाला हनी नहीं यार, शहद वाली हनी की बात कर रहा हूँ मैं। हर एक पेड़ पे काफी सारे बी हाइव्स लगे हुए थे।
फिर मैंने देखा लाइब्रेरियन का घर। लाइब्रेरियन का घर गांव में सबसे ज्यादा बड़ा था। ऑफ कोर्स यार, पैसा बहुत छापता है लाइब्रेरियन हमारा। अंदर गया तो काफी सारे बुक्स ही बुक्स थे। ये बड़ा घर किसी स्पेशल बंदे का है और मुझे मालूम था कि वो स्पेशल बंदा और कोई नहीं, हमारा लाइब्रेरियन होगा। भाई कतई स्पेशल बंदा ये। सही है भाई, सही है। देखो बहुत ज्यादा टेम्पटेशन तो हो रही है कि इसके सारे के सारे बुकशेल्फ्स तोड़ के अपने साथ लेके जाओ, लेकिन रहन दो यार, अच्छा बंदा है लाइब्रेरियन, कुछ किया नहीं उसने। देखो अब वो अलग बात है कि बाकी विलेजर्स ने भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ा था, फिर भी उन लोगों के घर से मैंने ब्रेड, एप्पल्स, बुक्स और उनकी डायरीज भी चुराई तो है। ये भेदभाव क्यों? लेकिन चलता है यार, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोग हो क्या अपनी मर्जी के मालिक? नहीं तो चुप बैठो। ऊपर वाले फ्लोर पे इनकी रहने की जगह थी। सही है यार, सही है। उसके बाद मैंने देखा इस आइलैंड का सबसे ज्यादा क्यूट घर, वो था हमारे फिशरमैन का। ये जो घर था ये लाइब्रेरियन से थोड़ा छोटा था, लेकिन पूरे आइलैंड पे यार ये काफी ज्यादा क्यूट था। चल बस, लायक है क्या? काम करने दे। एक बहुत ही बड़ा कैथेड्रल था जो काफी ज्यादा डिटेल्ड था, एकदम बढ़िया तो लग रहा था। अंदर में जब गया तब मैंने देखा कि वहां पे हमारे क्लेरिक चचा प्रवचन दे रहे, और हमारे क्लेरिक चचा इतना बढ़िया प्रवचन दे रहे थे, इतना ज्यादा बढ़िया प्रवचन दे रहे थे कि पूरे गाँव से उनका प्रवचन सुनने के लिए सिर्फ दो लोग आए थे। Denied. क्या कर रहे हो क्लेरिक चचा, ये आपका धंधा नहीं है, ये लाइन बदलो आप। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? आपकी लाइन क्या है? पोशंस क्रिएट करना, पोशंस क्रिएट करो। अरे पीछे क्या दिख रहा है? वो आगे बोल रहा है कुछ, उसकी तरफ देख। क्लेरिक चचा मैं कुछ नहीं कह रहा, आप अपना स्पीच चालू रखो। अपना क्लेरिक प्रवचन देने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसके सामने उसके घर से मैंने ब्रेड चुराए और वहां से निकल गया, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। शर्म तो नहीं आ रही है बिल्कुल भी है? मैंने एक मार्केट प्लेस भी देखी जहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स ने अपनी छोटी छोटी शॉप्स को सेटअप किया था। कोई टूल्स बेच रहा है, कोई लेदर बेच रहा है, कोई फूड बेच रहा है, वगैरह वगैरह चीजें बेच रहे थे। और तभी मेरी नजर पड़ी इस घोड़े पे। भाई इतना ज्यादा सही लग रहा था, एकदम जेट ब्लैक घोड़ा था ये। ये देखो इसके पास है ना हॉर्स है, और भाई कते ही काला हॉर्स है। भाई पसंद आ गया यार मुझे, एकदम जेट ब्लैक कलर का है, पसंद तो आ गया देख मुझे ये। तो भाई देख तू मेरे साथ चलेगा प्लीज प्लीज। ओ इसकी हेल्थ भी ज्यादा है, पहले वाले हॉर्स से इसकी हेल्थ ज्यादा है। गाइज हमें हमारे पुराने वाले घोड़े को अलविदा कहना पड़ेगा, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ के जाएंगे। इसके साथ बिताए हुए वो हसीन पल जहाँ पे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और डूबते हुए सूरज में मैं इसे दौड़ाते हुए लेके जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये वाले पल। क्योंकि यार इसके अलावा याद रखने के लिए मेरे पास और कोई पल है नहीं यार, क्योंकि कल ही मिला था मुझे ये, एक ही तो दिन बिताया था इसके साथ मैंने। मेरी अच्छाई का अच्छा फायदा उठाया उसने। तो गाइज हम लोगों ने नए घोड़े को टेम कर लिया है और इसके जेट ब्लैक कलर की वजह से मैंने इसका नाम रख दिया जेट। अभी जेट और मैं टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज साथ में ही रहेंगे, मैं घोड़ा नहीं बदलने वाला। आई प्रॉमिस जेट, इसके बाद मैं घोड़ा नहीं बदलूंगा। जेट को टेम करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत आयन कलेक्ट किया, एनविल कलेक्ट किया मेसन के घर से, और फिर आयन गोलेम से भी मतलब प्यार से पूछाया पहले तो मैंने कि भाई आयन चाहिए, थोड़ा सा आयन दे दे। मना करते ही मैंने भी रैप्टा लगाया और उसको मार के उसी का आयन ले गया मैं। बेसिक आयन मेरे पास आ चुका था और मैंने बाकी की रिमेनिंग डायरीज भी कलेक्ट कर ली थी। तो गाइज आगे हम लोगों को माइनिंग करने के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले गाइज स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी, मुझे सारी की सारी गांव में जितनी भी डायरीज मिली उन सबको मैंने पढ़ लिया था। अभी फटाफट से मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। तो ये बात है उस जमाने की। वेल गाइस कहानी की शुरुआत होती है जब लाइब्रेरियन की छोटी बेटी एना आइलैंड के सदर्न ब्रिज को क्रॉस करके एक अननोन जगह पे जाती है। वहाँ वो एक छोटे से गांव को डिस्कवर करती है। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा अल्टर होता है, उस अल्टर के सेंटर में एक ग्लोइंग क्रिस्टल था, आजू बाजू में कैंडल्स थे। एना के छोटे से मन को वो ग्लोइंग क्रिस्टल पसंद आ गया। जैसे ही एना ने उस ग्लोइंग क्रिस्टल को उठाया उसको किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, वो चीख एक विच की थी। एना को समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली विलेज नहीं था, ये एक विच आइलैंड था। इस विच आइलैंड की स्थापना उन्हीं विचेस ने की थी जिन्होंने पहली बार नेदर पोर्टल को स्टार्ट किया था और जॉम्बीफाइड पिगलिन से पिट के आ गए थे। ग्लोइंग क्रिस्टल को उठाते ही आइलैंड का इल्यूजन टूटने लगा, वो खूबसूरत लगने वाला आइलैंड एना के सामने बदसूरत बनता चला गया। हरी भरी ग्रास वॉज टर्निंग इंटू बंजर जमीन, ट्रीज जायंट मशरूम्स में कन्वर्ट हो रहे थे। एना अपनी जान बचा के भाग ही रही थी कि उसके पीछे एक विच ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल ब्लास्ट कर दिया। एना तो बच के चली गई, लेकिन ब्रिज बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। एना भागते हुए अपने विलेज पहुंची और उसने सबको सच्चाई बताई अबाउट द विच आइलैंड। विलेजर्स ने उसकी बातों को इग्नोर नहीं किया और कुछ सैनिक एना के साथ ब्रिज के पास भेज दिए। ऑफ कोर्स छोटी बच्ची की बातों पे कौन यकीन करेगा, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद विलेजर्स ने वहीं पे एक आउटपोस्ट सेटअप किया जिसको हम आज पिलेजर आउटपोस्ट कहते हैं। क्या बात कर रहे हो, पिलेजर्स पहले विलेजर्स हुआ करते थे? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पिलेजर आउटपोस्ट पे हमला बोलना है, क्योंकि जब तक उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक हम लोग विच आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स गो माइनिंग, फटाफट से एक आयन का आर्मर क्रिएट करते हैं। ऑल्सो मैं ये मेंशन करना भूल गया कि इस पूरे आइलैंड पे एक भी क्रिएट नहीं है, तो हम लोग को माइनिंग करने के लिए सीधा डिग डाउन करना पड़ेगा। एंड लेट्स होप कि हम लोग सीधा लावा में गिर के ना मर जाए। चलो भाई यही से
नीचे चलते नीचे चलते नीचे चलते, भाई गिर के ना मर जाऊं मैं। ओके ओके अभी अभी यहां से नहीं। नो 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 भाई ये नीचे क्या है? मैंने बोला था लिटरली भाई एक ब्लॉक के लिए, एक ब्लॉक से बचाऊं मैं। भगवान है अपने साथ यार, टेंशन नहीं कर। तो आधे अधूरे एन्चेंटेड आयरन आर्मर और स्वॉर्ड के साथ मैं पहुंच चुका था पिलेजर आउटपोस्ट के गेट पे। एक पिलेजर जो गेट के बाहर पहरा दे रहा था, मुझे देखते ही पता नहीं उसमें कौन सा जोश आ गया, भागते हुए आया मेरी तरफ और मुझ पे हल्ला बोल दिया। मैं जेट के ऊपर से उतरे बिना उसे मारना चाहता था, लेकिन जेट पे आर्मर ना होने की वजह से जेट वॉज टेकिंग डैमेज। सो मैं नीचे उतरा और उस पिलेजर की दे दनादन जो कुटाई की है मैंने, मजे आ गए भाई, मजे आ गए। मैं पहली बार हार्डकोर मोड पे खेल रहा था, विच मीन्स कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, लेकिन उस एक पिलेजर को मारने के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की लहर उठी है, मैंने फटाफट से एक ब्रेड खाया, अपनी पूरी हेल्थ रीजनरेट कर ली और मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तक मैं ये पूरा आउटपोस्ट साफ नहीं कर देता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब है कि हेल्थ रीजनरेट नहीं होगी, बट उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अंदर बढ़ गया। मुझे देखते ही सारे पिलेजर्स मेरे ऊपर हल्ला बोल दिए, कोई भागते हुए आ रहा है, कोई मेरे ऊपर एम ले रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई भी चैंपियन है, सबको पकड़ पकड़ के धोया है मैंने। मार तू भी मार, मार 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 भाई मार मार, ले मार ले ले मार ले, अरे मार, मैं बोल तो रहा हूँ मार, तू ही नहीं मार रहा। उनको धोया तो कुछ पिलेजर्स एंट्री टावर के अंदर छुप के बैठे थे, वही घुस घुस के उन दोनों को भी मारा है मैंने। हाँ तुझे मारना है, रुक मैं ऊपर आता हूँ, तू नीचे मत आ, मैं आता हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। उन दोनों को मारा तो एक पिलेजर बाहर से अंदर आया, मतलब गेट के बाहर था वो, वहीं से अंदर आया। भाई कहाँ टहलने गया था तू, उसको भी सजा मिल गई। मैं आयरन गोलेम्स को देखो आजाद कर सकता था और अपने साइड से लड़वा सकता था, एक नहीं दो दो आयरन गोलेम्स थे, लेकिन मुझे मेरे पीवीपी स्किल्स टेस्ट करने थे, मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर स्किल्स टेस्ट करने थे। सो आयरन गोलेम्स को सपोर्ट और हेल्थ रीजनरेशन के बिना मैंने एनिमी रीइंफोर्समेंट जिसमें 5 और पिलेजर्स आए थे उनको 1x1 फिनिश किया। जैसे ही मैंने एनिमी रीइंफोर्समेंट को फिनिश किया मैंने देखा कि आयरन गोलेम्स अभी भी ट्रैप्ड है, तो मैंने फटाफट से उनको फ्री किया। देखो उनका कुछ काम तो था नहीं क्योंकि सब कुछ उनका काम मैं ऑलरेडी कर चुका था, पिलेजर्स को मैं मार चुका था। उसके बाद जब मैं मेन टावर के अंदर गया तो वहां पे कोई नहीं था क्योंकि सबको मैं ऑलरेडी मार चुका था। भाई ये तो नॉर्मल सा पिलेजर आउटपोस्ट लग रहा है मुझे। है ऊपर कोई तो है, ऊपर कोई तो है, कौन है भाई ये? हाँ भाई कोई है। पिलेजर टावर के टॉप पे एक पिलेजर मेरी राह देख रहा था, बट एक मिस्टेक कर दी थी उसने कि वो एज पे खड़ा था। 2 हिट्स और मैंने उसे नॉक किया फ्रॉम द टॉप फ्लोर, वो सीधा नीचे गया और फॉल डैमेज से ही मर गया। उस पिलेजर को मार के मैंने पिलेजर आउटपोस्ट को ऑफिशियली क्लियर कर दिया था। फाइट खत्म होते ही मैंने ब्रेड खाया और अपनी हेल्थ वापस से रीजनरेट कर ली। तो बस कैजुअली आउटपोस्ट के रूफटॉप से कूदने के बाद मैंने वाटर बकेट क्लच किया और पिलेजर आउटपोस्ट पे जो चेस्ट थे उसमें से मुझे एक पिलेजर की डायरी मिली जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि विच आइलैंड एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है, रात को बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती है उस आइलैंड से, देयर आर रूमर्स कि उस आइलैंड पे एक ओगर भी रहता है, अगर तुम वो ब्रिज क्रॉस करके उस आइलैंड पे चले गए तो तुम्हारा जिंदा वापस लौट पाना नामुमकिन है। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी तो मैं जाऊंगा, अभी तो मैं जानबूझ के उस आइलैंड पे जाऊंगा और जिंदा वापस लौट के आऊंगा, पूरे आइलैंड को उस विच आइलैंड को मैं अकेला क्लियर करूंगा, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस विच आइलैंड पे जाएंगे, विचेस के पूरे गांव को डिफीट करेंगे, उस ओगर को भी देख लेंगे यार। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और यार वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक करके ही जाना। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए टेक केयर एंड गुड बाय।